ఒర్పెట్టించా. కానా మీరాని వార్మ్ అప్ కర్తే హువే सलामी बल्लेबाज के रूप में अब निकलेंगे यहाँ पर से. मेरे ख्याल से नवाज सुल्तान के नाम अभी तक आए नहीं है. कौन जाएगा ओपन में? नवाज सुल्तान के सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान पर जावे. फील्ड सज चुकी है और गेंद डालने की तैयारी है. फील्ड सज चुकी है, गेंद डालने की तैयारी है. यहां से सलामी बल्लेबाज के रूप में जल्द से जल्द निकल जावे. नवाज सुल्तान के सलामी बल्लेबाज के रूप में कौन है? मेरे ख्याल से तंजीम कादरी और मुसेफ बासुदा जाएंगे. मेरे ख्याल से दो ही जन जाएंगे सलामी बल्लेबाज के रूप में. अतिक दाऊदी फटाफट अपने 11 को मैदान में भेजे, अरे सॉरी ओपनर को मैदान में भेज दे. आज जो यहाँ पर जो पानी की सेवा दे रहे फिरोज सैयद बहुत ही अपनी जान से अपने दिमाग से शुभ सजा रहे पूरी जगह पे पानी की परब पर. फिरोज सैयद सबसे बड़ा पुण्य और सुवाब का काम है पानी, वो दे रहे हैं फिरोज सैयद. और सोहेल शेख अपनी ओडी Q7 में पानी की सेवा देते हुए. ओडी Q7 में पूरी सुविधा पूरी जान लगाकर सोहेल शेख उर्फ तवा सेवा देते हुए और उन पे लिखा भी हुआ आखिरी उम्मीद. आज का जो कि पहला मैच मुझसे बासेदा हो ओपन करेंगे तंजीम कादरी हाथों में इनर लगा के हुए मैदान की ओर जाते हुए. और तंजीम कादरी तो सलामी बल्लेबाज के रूप में आज का बी ग्रुप का पहला मैच कबीरा वॉरियर्स वर्सेस नवाज सुल्तान के बीच होने जा रहा है. मुसेफ ने स्ट्राइक लिए, मुसेफ सामना करेंगे और तंजीम लेफ्ट हैंड बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पर निशान गेंदबाजी का करेंगे. लेफ्ट हैंड गेंद करते हैं लंबा सनाना. कबीरा वॉरियर्स 12th मैन को आप कमेंट्री बॉक्स में भेजे. कबीरा वॉरियर्स 12th मैन को कमेंट्री बॉक्स में भेजे. बीच पहली गेंद लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट शॉर्ट गेंद उसका फायदा उठाया मुसेफ ने और मिड विकेट क्षेत्र में खेला. एक रन के लिए भागे, एक रन मुकम्मल किया, अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला इस एक रन से. और तंजीम जो के हौसले बुलंद अच्छा खेलते हैं अपनी टीम के लिए और फील्ड की सजावट लगा दी है. तंजीम के लॉन्ग ऑन बार रहेगा 30 यार के दायरे में होगा. ये पावर प्ले का मैच, दो ओवर पावर प्ले रह गए और एक मिड विकेट क्षेत्र में दो प्लेयर बाहर निकाले हुए प्लेयर, उसका नाम है पिंटू. इस बीच लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट शॉर्ट गेंद थी, ऊंचा लगाना चाहते थे, गेंद बल्ले से टकरा के स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद गई. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी रुका हुआ. अभी जो आगे का हाल जो सुनाएंगे जो मराठी के बादशाह प्रसाद परब सर, वो आपको आगे का हाल सुनाएंगे. सद्दाम भी खुश देखते हुए प्रसाद सर को, आसिफ भी खुश देखते हुए प्रसाद सर को और यहां पर फिरोज सैयद भी खुश प्रसाद सर को देखते हुए. इसमें फिर से एक बार छोटी सी और मेरे ख्याल से तंजीम के बल्ले से निकलने वाला कड़ाकेदार दमदार चचरा सटका सिक्स.
हेलो हेलो वक्रदुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा को नमन करके आज डीटीबीएल सीजन टू इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन का भी यहाँ पे हम शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, मैच यहाँ पे शुरू हो चुका है और कुल मिलाकर रन जो बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर वो 7 रन, काफी अच्छी शुरुआत। तंजीम राइट हैंड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ऑन स्ट्राइक और बीच गेंद की गेंद हवा में, खिलाड़ी का गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं काफी दूर से, लेकिन दोनों खेलों के बीच में यहाँ पे तालमेल की कमी और इसी के कारण यहाँ पे कैच छूटता हुआ। डीप मिडविकेट खिलाड़ी ये सोच रहे थे कि मिड ऑन का जो खिलाड़ी था सर्कल के अंदर वो गेंद के नीचे आ रहा था, इसलिए यहाँ पे हड़बड़ाहट हुई और इसी हड़बड़ाहट में आप देख रहे कि सलामी बल्लेबाज तंजीम जिसने एक छक्का दागा है, अच्छी शुरुआत अपने बल्ले से की है, उसका यहाँ पे कैच छूटता हुआ, जीवनदान मिलता हुआ वो तंजीम को। रन संख्या में बढ़ोतरी, रन संख्या आगे बढ़ चुकी स्कोर कार्ड के ऊपर वो 9 रन, काफी अच्छी शुरुआत नवाज सुल्तान टीम के माध्यम से। पुलर लेंथ की गेंद, बॉटम हैंड के सारे गेंद को सिर्फ पुश कर दिया, एक सूझबूझ बुझी पारी, कारण इसका अगर कारण अगर देखा जाए तो उनको पता है आज के दिन का ये पहला मुकाबला ड्यू फैक्टर मैदान के ऊपर है, उसके कारण गेंद बल्ले पे सीधी तरह से आ नहीं रही है, फिर भी एक छक्का जो जरूर देखने को मिला वो शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर। तंजीम के साथ आप देख रहे हो मोसेफ सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर नवाज सुल्तान की तरफ से, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद, दिशा दी गेंद को, खिलाड़ी गेंद के नीचे वहां पे शॉर्ट स्क्वायर लेग में यहाँ पे रनआउट का खतरा और तेजी के साथ एक रन यहाँ पर मुकम्मल कर लिया। टीम की रन क्या 2 अंकों में 10 रन, काफी अच्छी शुरुआत पहले ओवर में। पहले दिन की अगर बात करें तो पहले दिन में पहले गेंद के ऊपर एक सिंगल कन्वर्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी। कल के दिन की अगर बात करें तो डॉट बॉल, लेकिन आज के दिन की शुरुआत भी आप देख रहे हैं सिंगल के साथ यहां पे हो चुकी है। टीम की रन संख्या 1 ओवर की समाप्ति के बाद हो चुकी है, अंकित हो चुकी है वो कुल मिलाकर 10 रन। अब मुकाबला देख रहे हैं यहाँ पे मैदान के अंदर नवाज सुल्तान बनाम कबीरा वॉरियर्स। नवाज सुल्तान के जो ओनर है तबरेज भाई बासीदा और उनके सामने जो टीम है वो कबीरा वॉरियर्स और कबीरा वॉरियर्स के टीम ओनर है मनीष भाई और तौफिक भाई, दोनों को भी शुभकामनाएं इस मैच के लिए। लेंगे भी निकल गई गेंद सीमा रेखा के बाहर, आता हुआ ये तंजीम के बल्ले से तीसरा छक्का। हेलो, रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर इस 6 रनों के साथ जाके पहुंच चुकी है, वो क्वार्टर सेंचुरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है 25 रन, काफी कॉन्फिडेंस स्टार्ट। पिछले 2 दिन के मुकाबले आज के दिन की शुरुआत काफी ठोस रही है, पहले से ही मन बना के आए थे कि टॉस अगर हार भी जाते हैं, अगर बल्लेबाजी करनी पड़ी तो एक ताकतवर शुरुआत हमें देनी अपनी टीम के लिए, और वही यहाँ पे देते हुए खास करके तंजीम की मैं तारीफ करना चाहूंगा क्या बल्लेबाजी की है। अभी तक इस मैच में 3रा ओवर जारी है और 3 छक्के दागे है अपने बल्ले से, 22 रन अपनी टीम के लिए। उठा के खेल दिया फिर एक बार, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ टाइमिंग, छोक दिया अपने खुद को और गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी, मन को लुभावने वाली और आंखों को छू लेने वाली ऐसी जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिल रही है मैदान के अंदर। तंजीम काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे और जिस तरह से उनका बॉटम हैंड है, स्ट्रॉन्ग फोरआर्म है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना मजबूत है कि सामने वाली टीम के ऊपर वो हल्ला बोल रहे बार बार,
रन संख्या 31 स्कोर कार्ड के ऊपर, चार छक्के की मदद से खुद खेल रहे 28 रन के ऊपर सामने वाले बल्लेबाज तंजीम। फिर एक बार उठा के खेल दिया, तीसरे गेंद के ऊपर तीसरा छक्का दागा है और 3-6 इन अ रो, सिक्सर सिक्सर एंड सिक्सर। तीन गेंदों में तीन छक्के दागे हैं। कल ही हमने एक प्राइज यहाँ पे अनाउंस किया था, तीन गेंदों में तीन छक्के, लगातार तीन छक्के आने चाहिए या विकेट हैट्रिक अगर आप कंप्लीट करते हो कि तो आरके रेस्टोरेंट की तरफ से आपको एक कूपन दिया जाएगा। कल तक की अगर बात करें तो दो बल्लेबाजों ने ये इनाम हासिल कर लिया है, लेकिन आज की अगर बात करें तो इसमें अपना नाम लिख दिया है वो तंजीम ने, क्या बल्लेबाजी की है, आरके रेस्टोरेंट की तरफ से उनको भी एक कूपन दिया जाएगा। टू टू गो, दो गेंदे अभी भी शेष है और क्या बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। पिछले दो दिन के मुकाबले आज की दिन की शुरुआत काफी तेज हुई है। उठा के खेलने की कोशिश, लेकिन खिलाड़ी मौजूद वहां पे, और पिच गेंद थी, ड्राइव किया है वहां पे, क्या कॉन्फिडेंट बैटिंग। जितनी सराहना कितनी तारीफ में करूंगा यहाँ पे तंजीम की उतनी ही कम है। पिछले दो दिन में काफी सारे बल्लेबाज यहाँ पे खेले, काफी सारे बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। शिव अग्रवाल ने इंप्रेस किया, उसके बाद मोदी करके जो खिलाड़ी था पार्थ मोदी, उसने भी यहाँ पे इंप्रेस किया। कल कप्तान ने खुद इंप्रेस किया धर्म राठौड़ ने, लेकिन आज की शुरुआत क्या बेहतरीन हुई है यहाँ पे तंजीम के बल्ले से, व्हाट अ बैटिंग। हमने वही जिक्र किया था पिछले दो दिन में कि पहला मुकाबला जो भी टीम यहाँ पे खेलती है, खास करके टॉस जीती है, उनको एक बेनिफिट मिलता है अच्छी गेंदबाजी करने का, डोमिनेट करने का। लेकिन यहाँ तो बल्लेबाज डोमिनेट करे, व्हाट अ शॉट, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, वहां भी खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन डीप से जब तक गेंद उठाते तब तक एक रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ। वेरी कॉन्फिडेंट बोथ बैट्समैन ऑन द ग्राउंड। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है और हंसन मुझे बता रहे तीन ओवर की समाप्ति रन संख्या हो चुकी है 39 रन, 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और क्या औसत 13.00 के औसत से तब्बल तुनकुल मिला के यहाँ पे 39 रन बनाए, और क्या ठोस शुरुआत। वही तो हम तो चर्चा कर रहे थे कि पिछले दो दिन में इतना स्कोर देखने को नहीं मिला था, क्योंकि सुबह का सत्र होता है, पहला मैच होता है, ठंडी का मौसम है, आउटफील्ड में ग्रास के ऊपर आप देख रहे हैं कि ड्यू अभी भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्रीज के ऊपर वो नमी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे लगा था कि गेंदबाज बुरी तरह से हावी होंगे बल्लेबाजों के ऊपर। टॉस जीतने के बाद यहाँ पे जो फील्डिंग करने का निर्णय लिया है गेंदबाजी करने वाली टीम, वो कबीरा वॉरियर्स, ऐसे उन्होंने सोचा रहेगा कि जरूर यहाँ पे पूरी तरह से हम खुल के खेलने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे बल्लेबाजों को, लेकिन पूरी तरह से यहाँ विपरीत होता हुआ, और यहाँ पे जो निर्णय तो उनका जो लिया है उन्होंने गेंदबाजी करने का, अब तक मैं कहूंगा कि खराब साबित होता हुआ। एक विकेट जरूर चटका है, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक वो मना नहीं पाए, लेकिन तंजीम ने उनकी खुशी के ऊपर पानी फेर दिया, और क्या बल्लेबाजी की है, सचमुच काबिले तारीफ। आज तक इस मैच में टूर्नामेंट की अगर बात करें तो चार हाफ सेंचुरी देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह से तंजीम बल्लेबाजी कर रहे हैं, नहीं और की पहली गेंद उठा के खेल दिया, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ टाइमिंग, ताबड़तोड़ ये शॉट और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बात है, गाना भी क्या लगा सुल्तान, और सुल्तान जैसी बल्लेबाजी हो रही है। योगेश भोया और एक शॉट पिच गेंद, फिर एक बार एक्शन रिप्ले मानो, पिछले गेंद की पुनरावृत्ति हुई, वही शॉट और वही रिजल्ट 6 रन। भाई भाई बोल जाए जा, फटाफट भेज दो भाई। जिस तरह से बल्लेबाजी तंजीम ने की है और तंजीम की बल्लेबाजी है, उसका जो काम है अपने टीम के लिए, टीम के प्रति जैसे बल्लेबाजी हो रही है, पूरी तरह से चार्जअप हो चुके हैं पूरी तरह से, वो तीसरे नंबर के बल्लेबाज यहाँ पे मंथन, और उसी के साथ टीम का अर्धशतक भी पूरा होता हुआ, रन संख्या हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर वो 51 रन, व्हाट अ स्टार्ट। और पिच गेंद, इसको उठा के खेल दिया और एक यहाँ पे बल्लेबाजी के नाम जाएगा, आरके रेस्टोरेंट का कूपन, तीन गेंदों में तीन छक्के, दो कूपन हासिल कर लिए सुल्तान नवाज ने। सुल्तान नवाज
टीम का नाम जरूर यहाँ पे नवाज सुल्तान है, लेकिन नवाबों की तरह पे बल्लेबाजी हो रही है। क्या बैटिंग, क्या यहाँ पे दर्शनीय फटकेबाजी यहाँ पे हो रही हुई। और पिच गेंद यहाँ पे पूरी तरह से जोक दिया और व्हाट अ शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर और एक दे दनादन छक्का। भाई बॉल फेंक दिया। फरहान जा बेटा जल्दी। वैसे देखा जाए तो एक साथ ही खेलते हैं यहाँ पे मंथन और लालू बद्री, लेकिन क्या स्वागत किया लालू बद्री का, चार गेंदों में चार छक्के दागे हैं बल्लेबाज मंथन ने। वॉट अ बैटिंग, स्टैंड एंड डिलीवर यही देखने को मिल रहा है हर एक गेंद के ऊपर। फिर एक बार उठा के खेल दिया, तीसरा छक्का ऑन साइड में जाता हुआ वही दिशा में और बल्लेबाज भी वही है मंथन। वॉट अ बैटिंग, क्रैकिंग शॉट, 6 रन। मुसेफ भाई की तरफ से और अक्रम भाई की तरफ से 1000 रुपया। व्हाट अ बैटिंग फ्रॉम मंथन, मंथन के लिए और एक छक्का दागता है तो। ओ यहाँ पे स्लो वन गेंद थी, पिछले कई गेंदों के मुकाबले ओवर पिच गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन फाइनली यहाँ पे जो तहलका मचा था, तहलका थोड़ा सा खतरा था यहाँ पे तो रुकता हुआ, लेकिन क्या बल्लेबाजी, जबरदस्त एंटरटेन किया। पहले तीन ओवर की, चार ओवर की अगर बात करें तो चार ओवर में काफी बड़ा यहाँ पे स्कोर खड़ा किया है। चार ओवर की समाप्ति बाद 69 रन। अब तक इस टूर्नामेंट में हमने आखिर में टोटल देखा था, एक इनिंग का टोटल होता है, लेकिन पहले ही चार ओवर में कुल मिला के 69 रन। क्या तेज शुरुआत, क्या बल्लेबाजी। मंथन और तंजीम की जितनी तारीफ करूं उतनी कम, और मैं जरूर यहां पे कहूंगा जो उनके जो ओनर है काफी खुश रहेंगे, जिन्हें हमसे थोड़ी देर पहले यहां पे बातें की और यहां पे प्राइस भी लगाया था वो मंथन के लिए, लेकिन वो छठा छक्का यहां पे दिखाई नहीं दिया। मूसा भाई खुद यहां पे आए थे और उन्होंने काफी तारीफ की बल्लेबाजों की। अच्छी शुरुआत, काफी शुरुआत, टेस्ट ठोस शुरुआत यहाँ पे देखने को मिल रही है इस चार ओवर में। नवाज सुल्तान बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। तबरेज पसीदा जो टीम ओनर है काफी खुश रहेंगे उनके परफॉर्मेंस से। अटैकिंग बैटिंग, चार ओवर की समाप्ति, रन संख्या हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर वो 69 रन, सिर्फ एक विकेट के नुकसान के ऊपर, एक विकेट काफी जल्दी चला गया था दूसरे ओवर में, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी मौका नहीं दिया यहाँ पे विकेट लेने का, दबाव डालने का, लेकिन दबाव पूरी तरह से ट्रांसफर हो चुका है वो फील्डिंग करने वाली टीम के ऊपर। कबीरा वॉरियर्स अटैकिंग स्टार्ट, पहला दो ओवर का स्पेल यहां पे खत्म किया वो गेंदबाज दिशांत ने। दिशांत ने दो ओवर में काफी सारे रन खर्च किए, दो ओवर का स्पेल पूरा किया दिशांत ने, लेकिन उसके बाद विशाल का एक ओवर वो भी काफी अच्छा रहा, लेकिन लालू बद्री काफी तेज यहां पे बल्लेबाजी हुई, 30 रन यहां पे खर्च किए 6 ओवर 6 गेंदों में और काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ। नया ओवर लेके गेंदबाज तैयार है, अभी यहाँ पे इस रनों के ऊपर अंकुश लगाना होगा। हितेश आहिर खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, खुद कप्तान, कप्तानी भूमिका यहाँ पे निभानी होगी और सामने है बल्लेबाज तंजीम। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक देखने को मिल रहा है और बॉटम एंड कितना स्ट्रांग है देखो, फोरआर्म कितना स्ट्रांग है देखो, हर एक गेंद के ऊपर वो कॉन्फिडेंस शॉट बैटिंग देखने को मिल रही है, हर एक गेंद मिडल कर रहे अपने बैल बल्ले के ऊपर। हम हमेशा कहते हैं मराठी में कि डावखुऱ्याचा खेळाडू नेहमीच आक्रमक असतो, त्यांची फलंदाजी पाहणं प्रत्येक प्रेक्षकाला पर्वणी ठरतं। रन संख्या हो चुकी स्कोर कार्ड के ऊपर 70 रन और वही बल्लेबाजी हमको तंजीम और मंथन के बल्ले से देखने को मिल रही है। और बीच गेंद इनसाइड आउट, व्हाट अ शॉट, क्या हवा में खेल दिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, 6 भाई और देवेंद्र भाई पूरी तरह से चार्जअप हो चुके हैं, क्या गाना लगा रहे, क्या बात है, 76 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
और पिच गेंद ड्राइव किया, कार्पेट शॉट किया, खिलाड़ी मौजूद लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड और इसी का फायदा उठाया। अभी भी गेंद वो ढूंढ रहे, वो प्रेशर वो दबाव दिखाई दे रहा है यहां पे फील्डिंग करने वाली टीम के ऊपर। करीब कबीरा वॉरियर्स और पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया। डोमिनेट क्या होता है, डोमिनेटिंग क्या होती है, ये दो बल्लेबाजों देखने को मिल रही है। व्हाट अ बैटिंग मंथन, 10 गेंदों में 39 रन और तंजीम 36 रन के ऊपर खेल रहे। गेंद को उठा के खेल दिया, लेकिन है गेंद हवा में काफी देर लहराती हुई, लेकिन यहां पे किसी को भी मंजूर नहीं है कि गेंद अंदर रुक जाए और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों की रन संख्या हो चुकी है 83। तो अनीश शेख की तरफ से एक प्राइस यहां पे अनाउंस हो चुका है। दोनों बल्लेबाजों में से कुछ ने भी अर्धशतक यहां पे लगाया, हाफ सेंचुरी लगाई तो 500 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। अकरम कादरी की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम है 50 के लिए। इस गेंद को ऑनसाइड में खेल दिया, तेजी के साथ गेंद निकलती हुई, काफी तेज शॉट देखने को मिल रही है, काफी तेज बल्लेबाजी हो रही है। जिस तरह से सुबह के सत्र में सज्जद भाई ने यहाँ पे जरूर बताया कि आंखों के अंगारे हैं और वही अंगारे दिखते हुए उनके बल्ले से अंगारे निकलते हुए, और क्या हवा है। शॉर्ट पिच गेंद थोड़ा सा हवा में खेला, गेंद वहां पे डीप कवर में की दिशा में, जब तक वहां से गेंद उठाते तब तक टीम के खाते में एक रन का इजाफा होता हुआ और टीम की रन संख्या आगे बढ़ चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर। हंसेन भाई मुझे बता रहे हैं 85 रन। हंसेन भाई मेरे साथ, जिन्होंने इस टूर्नामेंट की अगर किट की अगर बात करें, टी शर्ट ट्रैक की अगर बात करें, जो डीटीपी है, जो डिजाइन है, वो हसनैन भाई ने खुद बनाए, उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूं। और अच्छे यहाँ पे किट आपको देखने को मिल रहा है हर एक टीम के लिए, एक ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन और ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ आप इस टूर्नामेंट को आप देख रहे हैं। डीटीपीएल 2021 सीजन दूसरा, पिछले ईयर के कंपैरिजन में, पिछले ईयर तो हम यहाँ पे नहीं थे लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि पिछले ईयर के कंपैरिजन में इस साल में काफी बड़ा बड़ा आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है इस टूर्नामेंट में। ब्यूटीफुल कवरेज फ्रॉम tennisticket.in और सभी हमारे ऑफिशियल रेडी है सुबह के सत्र से। ओमकार सावंत हो, प्रशांत पवार हो, युवराज धुड़े, ब्यूटीफुल जॉब। कुल मिला के 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन संख्या हो चुके 85 रन, 17 रन पर ओवर के औसत से अब तक रन बने हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, गेंदबाज विशाल सोलंकी, पारी का दूसरा ओवर उन्होंने फेंका था पावर प्ले का, एक विकेट चटकाया था, 8 रन खर्च किए थे, इसी के कारण कप्तान ने जिम्मेदारी दी है विशाल के कंधों के ऊपर। और स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज मंथन उठा के खेल दिया, हर एक गेंद के ऊपर यहां पे हैमरिंग शॉट हो रही है, फिर एक बार गेंद सीमा रेखा के बाहर। सात छक्के दाग चुके अब तक बल्लेबाज मंथन, और मंथन की बल्लेबाजी देखते हुए मुझे जो जीता वही सीखन के आखिरी जो क्षण था रेस का वो याद आ रहा है। पीछे से आगे निकल रहे हैं, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और क्या बल्लेबाजी। तंजीम आगे आए थे सबसे पहले, लेकिन उसके पीछे आने के बावजूद क्या बल्लेबाजी हुई है। यहाँ पे 46 रन के ऊपर खेल रहे वो बल्लेबाज मंथन ऑन स्ट्राइक, 4 रन दूर अपने अर्धशतक से, और ये गेंद हवा में देख रहा है काफी ऊपर तो गई है और दूर भी जाएगी। इस टूर्नामेंट का 5वां अर्धशतक यहां पे निकलता हुआ मंथन के बल्ले से। तो मतलब 1000 रुपए का इनाम यहां पे दिया जाएगा वो बल्लेबाज मंथन को, और क्या बल्लेबाजी, जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है सचमुच काबिले तारीफ। सिर्फ 13 गेंदों में ऑप्शन के बाहर, लाइन से भटकते हुए
पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया हर एक गेंदबाज को, और जिस गेंदबाज ने इस मैच में इकोनॉमिकल ओवर फेंका था 8 रन का, उसी को यहां पे टारगेट किया है। गेंदबाज पूरी तरह से डर रहे, गेंद हम एग्जैक्टली हम कहां डाले, कहां पे फेंके। ऑन साइड में गेंद का गेंद को खेल दिया। इसके पहले अगर बात करें जितने भी यहां पे बड़े बड़े स्ट्रोक आए, बड़े बड़े रन बने, हर एक गेंद हमें हवा में ही देखने को मिली थी। ग्राउंड स्ट्रोक काफी कम देखने को मिल रहे इस इनिंग में, और क्या बल्लेबाजी। कुल मिला के रन संख्या हो चुके 99, टीम का टोटल 99 रन सिर्फ एक विकेट के नुकसान के ऊपर। एकमात्र विकेट जो गिर चुका है मोसेफ के रूप में, उसके बाद बिल्कुल भी मौका नहीं दिया विकेट लेने का इन दोनों बल्लेबाजों ने। तंजीम ऑन स्ट्राइक, गेंद हवा में, देखना है वहां पे कैच जरूर उड़ा है, और फाइनली वो कैच लपका गया। थोड़े से आयुष थे, नाराज थे, सामने वाला जो खिलाड़ी आया तेजी के साथ उसका कुछ भी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं था, कॉल नहीं था, लेकिन फाइनली ये विकेट चटका दिया। लेकिन क्या बल्लेबाजी। दर्शकों मैं जरूर यहाँ पे कहूंगा कि बल्लेबाजी अगर पसंद आई है तो जोरदार तालियां होनी चाहिए तंजीम के लिए। व्हाट अ बैटिंग, और क्या देखो सेलिब्रेशन, डगआउट में उनका स्वागत खड़े होकर तालियों के साथ किया जा रहा है, ये होता है रिस्पेक्ट। सेंसेशनल बैटिंग, कड़क बैटिंग, तूफानी पारी तंजीम के बल्ले से, शाबाश की देते हुए कप्तान खुद मैदान के अंदर आ रहे हैं आतिक दाऊदी, और काफी खुश रहेंगे परफॉर्मेंस से। जो सलामी बल्लेबाज के रूप में मोसेब आए थे, मोसेब आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदारी संभाली खास करके मंथन और तंजीम ने, सचमुच काबिले तारीफ। अगला मुकाबला यहां पे खेला जाएगा एसडी चैंपियन वर्सेस बर्नन टाइगर्स। दोनों कप्तान से अनुरोध करता हूं कि आपका प्लेइंग 11 का लिस्ट हमारे पास अपडेट कीजिए और टॉस के लिए रेडी हो जाइए। एसडी चैंपियंस बनाम बर्नन टाइगर्स, सफलता मिलती हुई विशाल को। फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में गेंद को खेल दिया, खुद कप्तान ऑन स्ट्राइक। एक रन यहां पे पूरा करने की कोशिश, पूरा कर दिया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े और दूसरा रन भी यहां पे पूरा करेंगे। तीसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन यहां पे कोऑर्डिनेशन थोड़ी सी कमी, गेंद को जब तक फेंकते तब तक 2 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ, और टीम की रन संख्या 100 का आंकड़ा यहां पे छू चुकी है। 101 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित हो चुके हैं। इसके पहले भी दो मुकाबले में हमने देखे थे 100 रन के ऊपर यहां पे बल्लेबाजी हो चुकी है तीन मैचों में। ओ थोड़ी सी फुल लेंथ की गेंद, अच्छी गेंद, तीखी गेंद, और सीधे निकल गई कीपर के दस्तानों में। छोर का यहां पे खेल समाप्त होता हुआ, छोर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है वो 101 रन। पहले हमने देखे थे 100 रन जब शिवशक्ति बॉयज की टीम ने बनाए थे 112 रन, और 113 रन का यहां पे पीछा भी हो चुका था। आरके रॉकर्स ने भी यहां पे काफी तेजी के साथ बल्लेबाजी की थी और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर रन बने वो 101। नवाज सुल्तान जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, और यहाँ पे जरूर मैं कहना चाहूंगा 2 ओवर का खेल अभी भी शेष है, 12 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, और यहाँ पे कोशिश रहेगी इस टूर्नामेंट का हाइएस्ट टोटल यहाँ पे खड़ा करने की। तो खालिद शेख की तरफ से 1000 रुपए का इनाम आ चुका है मंथन के लिए, अगली गेंद कप्तान खुद राउंड विकेट उठा के खेलने की कोशिश, गेंद हवा में लहराती हुई पॉइंट के खिलाड़ी की सर के ऊपर से ट्रैवल हो रही है और गेंद रुकने का नाम नहीं ले रही, गेंद सीमा रेखे के बाहर जाएगी 4 रन के लिए। हितेश आहिर खुद कप्तान और रन संख्या हो चुकी है 105। और पिच गेंद थी, ऑन साइड में गेंद को स्लॉक किया, खिलाड़ी मौजूद गेंद के नीचे आने की कोशिश, और जब तक वहां से गेंद उठाती तब तक 1 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ। ताहिर थोड़े से नाराज क्योंकि गेंद डायरेक्टली हाथ में नहीं आ रही है। आतिक जो कप्तान है इस टीम के, चौथे नंबर पे आने वाले बल्लेबाज आतिक दाऊदी,
और क्या कप्तानी, क्या बल्लेबाजी हुई है उनके सलामी बल्लेबाजों के माध्यम से। सैकड़ा पूरा कर लिया इस टीम ने अपनी टीम का और 106 रन के ऊपर अभी भी यहां पे रन जारी है इस टूर्नामेंट में, इस मैच में। आने वाली 10 गेंदे शेष और इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल भी खड़ा करने का यहां पे सपना है उनका, और सपना देखो किस तरह से वो पूरा करेंगे। खुद कप्तान मैदान के अंदर स्ट्राइक एंड के ऊपर, रन संख्या 106 रन। राउंड विकेट आतिक के सामने, देखना है ऑनसाइड में गेंद को प्लेस किया, खिलाड़ी मौजूद मिड विकेट की दिशा में। और इस सीजन की अगर बात करें तो फास्टेस्ट सेंचुरी भी आतिक के नाम पे ही है, जो आतिक इस मैच में टीम के कप्तान है और वो भी लेदर बॉल के ऊपर। दो दिन से मैं सराहना कर रहा हूं हर एक खिलाड़ी की फिटनेस की, बहुत ही अच्छा खुद को फिट रखा है। और जो मैंने बात छेड़ी थी कल के दिन में कि पानी की मांग बिल्कुल नहीं हो रही है, इतने फिट है ये खिलाड़ी। आठ आठ ओवर के मुकाबले, राउंड विकेट उठा के खेल दिया, व्हाट अ शॉट, इनसाइड आउट, ले जवाब और बहुत ही बेहतरीन एक दर्शनीय शॉट, गेंद सीमा रखी के बाहर 6 रन के लिए। रन संख्या 113। हमारे सरफराज, हमारे कॉमेडेटर, उनका स्वागत किया छक्के के साथ। फुल टॉस गेंद थी, बीमर गेंद, गेंद रफा दफा होती हुई डीप पॉइंट रीजन में 4 रन के लिए, उसके साथ ये नो बॉल, 5 रन का यहाँ पे मुआवजा मिलेगा वो बल्लेबाज को, नो बॉल। तो हाईएस्ट स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट 118, 118 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। सातवां ओवर प्रगति पथ पे और 118 रन बन चुके हैं नवाज सुल्तान, एक नवाबी बल्लेबाजी। अगली गेंद रहेगी फ्री हिट, वो बल्लेबाज मंथन के लिए, क्योंकि बीमर फेंकी थी गेंद कप्तान ने ताहिर, हितेश ताहिर ने। खाली शेख की तरफ से हर एक छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम मंथन के लिए। ऑन साइड में गेंद को खेल दिया, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट, क्या टाइमिंग है, लाजवाब बल्लेबाजी। 1-2-2, 122 रन इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल अपने को आपको देखने को मिल रहा है। इसके पहले अगर देखा जाए तो 112 रन और 113 रनों का पीछा भी किया हुआ था, लेकिन एक नया रिकॉर्ड यहां पे एस्टैब्लिश करते हुए। लेकिन अगर बात करूं मैं मंथन की, तो इंडिविजुअल भी हाईएस्ट स्कोर देखने को मिल रहा है, 72 रन जस्ट 19 गेंदों में, व्हाट अ बैटिंग, सिर्फ और सिर्फ 19 गेंदे और 72 रन। इनसाइड आउट, व्हाट अ शॉट, एलिगेंट शॉट, और क्या टाइमिंग, क्या बल्लेबाजी, देखने लायक यहां पे बल्लेबाजी हो रही है, व्हाट अ बैटिंग, 6 रन। बोल बोबड़ा अंदर गया, जान जा बेटा। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पे हो रही है, रन संख्या होती स्कोर कार्ड के ऊपर वो 128 रन। 7 ओवर की समाप्ति, 128 रन और अभी भी एक ओवर आना शेष है इस मैच में। मंथन की जितनी भी तारीफ, जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है, और क्या बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही मैदान के अंदर। आखिरी ओवर लेके गेंदबाज तैयार, खालिद भाई की तरफ से हर एक छक्के के लिए मंथन के लिए यहां पे 100 रुपए का इनाम है। प्रतीक रांच,
नए गेंदबाज आखिरी ओवर स्लॉग और डेथ ओवर और स्पिनर गेंदबाज का यहां पे इस्तेमाल किया, ऑन साइड में गेंद को हल्के हाथों से सिर्फ पुश कर दिया और मौका दिया फिर एक बार स्ट्राइक एंड के ऊपर वो मंथन को। मंथन की बल्लेबाजी दे धनाधन, क्या बैटिंग की है 129 और मंथन इंडिविजुअल अगर बात करें तो मंथन का स्कोर 20 गेंदों में 78 रन। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है देखना होगा कि इस टूर्नामेंट में शतक देखने को मिलेगा या नहीं। उठा के खेलने की कोशिश, लोअर वन गेंद थी, सरफराज के भाषा में अगर कहूं तो जड़ में गेंद की, यहां पे लोकल में गेंद थी और एक रन से यहां पे संतुष्ट होना पड़ेगा वो मंथन को। रन संख्या हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर वो 130 रन, चार गेंदे अभी भी शेष है इस इनिंग की और क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई है इस पहले सत्र में। प्रतीक वहां पे बहुत ही अच्छा स्ट्रोक लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे बराबर मिड विकेट के रीजन में और एक विकेट मिलता हुआ फाइनली मतलब यहां पे कहूंगा कि आखिरी ओवर में यहां पे प्रतीक को विकेट मिलती हुई वो कैप्टन की। सत्र की शुरुआत हुई सरफराज वाइस कैप्टन ऑन द ग्राउंड रमीज राजा। कुछ गेंदे बची उनके लिए, देखना होगा किस तरह से यहां पे बल्लेबाजी होती है। जिस तरह से इसके पहले मंथन हो मैदान जो अभी भी मैदान के अंदर है, तंजीम ने बल्लेबाजी की, कैप्टन ने बल्लेबाजी की, मोसेब ने बल्लेबाजी की लेकिन ज्यादा इंपैक्ट रहा वो मैदान के अंदर तंजीम और मंथन का। व्हाट अ बैटिंग, टीम ने 100 का आंकड़ा छू लिया, इसके कारण यही है ये दोनों की बल्लेबाजी, ये दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप हुई वो सबसे अहम बात है इस मैच में। कैप्टन ऑन वाइस कैप्टन ऑन द ग्राउंड ऑन स्ट्राइक रमीज राजा, वो बॉटम एंड बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, अंदर आती हुई गेंद हाफ वॉली करके ट्रेन को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ रीजन में, तब तक एक रन का इजाफा टीम के हाथ में होता हुआ और उसी के साथ स्ट्राइक रोटेट किया फिर एक बार मंथन के पास। 131 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, दो गेंदे अभी भी शेष है इस इनिंग की। अगला मुकाबला यहां पे खेला जाएगा एसडी चैंपियन और बहनान टाइगर के बीच में। दोनों कप्तान से अनुरोध है कि आपका प्लेइंग 11 का लिस्ट हमारे पास अपडेट करना है और टॉस के लिए भी आपको रेडी होना है। प्रतीक ओ अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह से बांध के रख दिया है। अब यहां पे प्रतीक ने सोचने के लिए कप्तान को मजबूर किया है कि क्यों मुझे इस मैच में दूसरा ओवर क्यों नहीं दिया गया, आखिरी ओवर में स्लॉग ओवर में क्या गेंदबाजी हो रही है, पूरी तरह से बांध के रखा है मैदान के ऊपर मंथन जैसे बल्लेबाज को, जिस मंथन ने एक भी गेंदबाज को यहां पे बख्शा नहीं है आज तक इस मैच में, इस इनिंग में ऐसी बल्लेबाजी हुई है मंथन के माध्यम से। फुल टॉस गेंद, दिशा दी गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, पैरेलल स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो रन संख्या बनी हुई कुल मिला के 135 रन आफ्टर वन इनिंग, 8 ओवर की समाप्ति, 135 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 137 स्कोर हो चुका है और 138 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए। आखिरी गेंद के ऊपर छक्का आया था इसलिए 137 हो चुका है स्कोर और 138 का लक्ष्य रखा है वो नवाज सुल्तान की टीम ने कबीरा वॉरियर्स के सामने। सबसे बड़ा टोटल इस टूर्नामेंट का, सबसे हाईएस्ट टोटल इस टूर्नामेंट का, इसके पहले भी हमने कई बार सैकड़े देखे इस टूर्नामेंट में, इस मैच में, लेकिन इस अब की बार अगर देखा जाए तो 138 रन अब यहां पे बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए।
तो इसके बाद का मुकाबला फिर एक बार मैं यहाँ पे दोहराना चाहूंगा, एसडी चैंपियन और बहनन टाइगर निनकल पटेल जी इस टीम के जो ओनर है उनके साथ हिरेन भाई शाश्वत डेविड मतलब एसडी चैंपियन नीलेश भाई और नीलकंठ पटेल और हिरेन भाई जो ओनर है इस टीम के और उनके सामने बहनन टाइगर्स जिस टीम के ओनर है फहद भनान। तो ऑल द बेस्ट दोनों टीम के कप्तानों को इस मैच के लिए। इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो काफी बड़े पैमाने पे यहाँ पे जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए योगदान मिला है मैं खास करके उनका यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा, इजुभाई शेख, शब्बीर भहनान, कीर्ति भाई, जीवा भाई आहिर, सागर सोलंकी, गिरीश सोलंकी, नीलकंठ भाई मतलब नीलू भाई, राम मीरानी, प्रणव कोटक, साजिद भाई रॉयल फर्नीचर के, विकास भाई जाधव, नरेश भाई हमारे जो उप प्रमुख नगर पालिका के और नगर पालिका प्रमुख ज्योत्नाबेन, उसके बाद विश्वास भाई मलचावाला, तनवीर बसईदा, अक्रम शेख, नौशाद कादरी, अखिल शेख, वाईमैक्स इंटरनेट दीपक पटेल, मुंडा भाई टक्कर, गोल्डन मोबाइल प्रणव भाई, आदिनाथ मार्बल के, उसके बाद प्रणव भाई आहिर और ओरिजन होटल, संजय रांच, अक्रम कादरी, फिरोज भाई सैयद जिनके माध्यम से खास करके इनका मैं नाम हाईलाइट करना चाहूंगा, फिरोज भाई सैयद जिनके माध्यम से इस पूरे हमारे मंच के ऊपर हमारे कमेंट्री बॉक्स में पानी की व्यवस्था जिनके माध्यम से की जाती है जो बहुत बड़ा पुण्य का काम रहता है। उसके बाद मॉन्स्टर जीजे हमारे देवेन और शाबाज उनका मैं तारीफ करना चाहूंगा, उसके बाद अजीज असीम भाई हसमानी किंग ऑफ कबाब, आसिम खेरगाम, वासिम भाई आतिफ चिकन सेंटर, अमित भाई गैरेज वाला अरबुडा साड़ी सेंटर, राजेश भाई खारवेल के सरपंच है, विपुल भाई कोटक, उसके बाद भावेश भाई आरके स्टोर्स और आरके स्पोर्ट्स के, उसके बाद राजा भाई इस्माल भाई वापी के, निखिल राठौड़ और अक्षर होजियारी, थैंक यू सो मच, और जलाराम कुब्बा सबका धन्यवाद कहना चाहूंगा क्योंकि इनके माध्यम से काफी बड़े पैमाने पे हमको एक यहाँ पे एक मोटिवेशन मिला है, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिली है और जिसके माध्यम से यहाँ पे टूर्नामेंट सफल होता हुआ। तो आइए अगला यहाँ पे सत्र यहाँ पे शुरू करेंगे। मंथन के लिए भी प्राइस यहाँ पे बढ़ चुका है और 500 रुपए का इनाम कुल मिला के जो प्राइस उसके पास उसके लिए आया है। तो मैच खत्म होने के बाद मंथन आपका प्राइस आप यहां से लेके जाइए। फिर एक बार यहां पे दोहराना चाहूंगा, एसडी चैंपियन और बहनन टाइगर के कैप्टन टॉस के लिए तुरंत हमारे मंच से संपर्क कीजिए। आइए अगली आवाज सुनते हैं इस अगले सत्र में जहां पे मैच का दूसरा सत्र यहां पे शुरू होगा और यहां पे चेस करना है 138 रन और जैसे मैच शुरू हो जाएगा आइए सुनते हैं हमारे काबिल दोस्त हमारे कॉमेंट्री बॉक्स में सरफराज माकड़ा। शुक्रिया सर, पहले तो मैं चूक गया हूँ इस पिछली पारी देखने के लिए, कुछ दिक्कतें की वजह से आधा घंटा लेट पहुंचा हूँ, उससे माफी चाहता हूँ। दोनों पारंपरिक जोड़ी 138 का लक्ष्य का पीछा करने के लिए बीच मैदान के ऊपर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के रूप में बीच मैदान के ऊपर पहुंच चुकी है। स्ट्राइक के ऊपर है, नॉन स्ट्राइक के ऊपर लालू, दोनों बीच मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं। दूरवाड़ी छोड़ की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है। मैं कमेंट्री बॉक्स से सरफराज माकड़ा, नवाज सुल्तान अपना 12 मैन भेजे जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में। नवाज सुल्तान कीपर के अलावा 34 थर्ड मैन 34 फाइन लेग, बॉलर का नाम प्लीज। एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट बॉक्स में आएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। बॉटलाइन के ऊपर जो दो फील्डर है, एक डीप कवर और डीप स्क्वेयर लेग, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास बहुत ही खूबसूरत हुआ लेकिन हाथों में से गेंद छिड़क कर चली गई। सिंगल बटोरा अपना खाता खोला, टीम का भी खाता खोला एक रनों के साथ। जहां तक बात की जाए दोनों दिनों में से हमें दो या तीन मैच पीछे चल रहे हैं, वक्त बहुत ज्यादा हो ले लेते हैं तो इसकी वजह से हम दो या तीन मैच पीछे चल रहे हैं टूर्नामेंट में, तो आज जितना चाहिए उतनी मैच कवर करना जरूरी होगा। सुनील बिदारी, अब फील्ड में तब्दीली की जा रही है,
जो कवर के ऊपर फील्डर निकाला था उसको सर्कल के अंदर बुलाया है। डीप मिड विकेट डीप स्कोर लेग के साथ गेंदबाजी करेंगे जो आउटलाइन के ऊपर दो फील्डर है। पहली गेंद के ऊपर सिंगल बटोरा है। अगली गेंद और दूसरी गेंद के ऊपर हल्के हाथों से खेलकर रक्षात्मक अंदाज से शॉर्ट स्कोर के स्थान के ऊपर खेला। फील्डर तैनात थे, सिंगल लेने का प्रयास नहीं किया, डॉट गेंद निकाली। दो गेंदों में अभी तक एक रन बने हैं। 138 का लक्ष्य लंबा लक्ष्य टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बन चुका है और इंडिविजुअल भी हाईएस्ट स्कोर हो चुका है इस टूर्नामेंट का। बहुत ही खूबसूरत पारी देखने को मिली थी दर्शकों को। अरे बल्ले से घसीटा ऑन साइड के क्षेत्र में, मिड विकेट के ऊपर फील्डर तैनात है, वहां पर जहां तक गेंद को सफाई के साथ फील करके थ्रो दिया जाए। कहीं पहले तेजी के साथ सिंगल बटोरा, इस एक रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है दो रन। पहला ओवर अभी भी जारी है, लक्ष्य बहुत ही लंबा है, करीबन 18 के ऊपर की रिक्वायर्ड रन रेट जो एक बड़ा टारगेट होता है ओवर का, 3 या 4 छक्के कंपलसरी लगाने होते हैं। जैसे जैसे आगे चलेगा रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ती चली जाएगी। स्कोर लेग अंपायर के पास खेला, काफी तेज थ्रो, अंपायर कैसा आउट, हल्की से पीछे रह गए, क्रीज तक पहुंच नहीं पाए, काफी तेज थ्रो किया था, पकड़ते ही सीधा थ्रो एकदम तेज, करीबन 140-150 की रफ्तार से थ्रो किया था और पहले विकेट का पतन होता हुआ जल्दबाजी कर गए और एक बड़ी मछली को रन आउट के रूप में पहलन भेजते हुए लगने वाला पहला झटका। कबीरा कमेंट बॉक्स में संपर्क करेंगे जल्द से जल्द। 12 मैन नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं दीपेन। कबीरा वॉरियर्स जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में संपर्क करेंगे। क्या तुझे खेला के जरूर खतरा हो सकता है, शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्रों में गेंद सीधी सी जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे कैच देकर चले गए। पहली गेंदों में आके गोल्डन तक लेकर वापस पहले इसको भी गई लग चुकी है। नवाज सुल्तान और कबीरा वॉरियर्स के बीच में मुकाबला होगा। दोनों के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ एसटी चैंपियन के सामने होगी अगली मैच है बेहनन टाइगर। नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर पहुंचे हितेश शाही, कप्तान है, एक बहुत बड़ा नाम, जिम्मेदारी का साल खेलना बहुत ही जरूरी है क्योंकि लक्ष्य बहुत ही लंबा है, मुश्किल जरूर लेकिन नजदीक तक पहुंचना जरूरी है। अगर नेट रनरेट की तरफ देखा जाए तो अगली मैच में को और उसका असर रहेगा, आप जितना नजदीक पहुंच सकोगे जीतने का प्रयास करना चाहिए, लक्ष्य लंबा है, सामने वाली टीम बना सकती है तो आपकी भी काबिलियत है, आपको भी दिखाना है हुनर और मैच टीम को जिताने की तरफ ले जाना है। यकीनन अगर आप आखिर तक नहीं पहुंच पाएंगे फिर भी प्रयास करना होगा नेट रनरेट देखते हुए। इनसाइड आउट कवर के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए दंदनाता रफो चक्कर होती हुई गेंद, 4 रन।
हमारे प्रसाद परब साहब हमारे बगल में बैठे हुए स्कोरिंग की सेवा बजाते हुए एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से स्कोरिंग कर रहे हैं। डॉट गेंद के ऊपर भी विकेट के ऊपर भी अलग अलग पेनों से डिजाइन लगाई गई है स्कोरबोर्ड में, जिसको भी उनका स्कोरबोर्ड देखना हो आकर देख सकते हैं। बहुत ही सफाई के साथ स्कोरिंग करते हैं। आपका शुक्रिया सर, आप बहुत ही अच्छी सेवा दे रहे हैं। जब चौका लगता है तो अलग पेन से होता है, दौड़ गेंद होती भी तो अलग पेन चलाती है, सिंगल में अलग पेन, हर पेनों के साथ अपना हुनर दिखाते हुए इस मैदान के ऊपर। कमेंट्री में भी हमें हिंदी और मराठी लैंग्वेज में हमें कमेंट्री उनकी ओर से सुनने को मिलती है। अब इस मरतबा हमारे सपोर्टर नहीं पहुंचे हैं तो वो खुद स्कोरिंग के लिए बैठ गए हैं और अपनी सेवा बजाते हुए। सर आपका बहुत बहुत आभारी है मैं इस कमेंट्री टूर्नामेंट के आयोजकों की ओर से। गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स साइड की ओर से, कप्तान खुद अतिक दाऊदी गेंदबाजी के ऊपर पहुंचे हैं। उनका एक रिकॉर्ड आज भी सर मुझे याद है, 2013-14 में चासा के मैदान मेरा गांव के ऊपर लेदर बॉल खेला गया था। फाइनल मुकाबले में वाड़ी टीम से खेलने के लिए आए थे। संजय फार्म की जो एक मेन टीम होती है वो टीम के सामने 122 रन वाली पारी खेली थी और फाइनल मुकाबला जिताया था सिर्फ 47 गेंदों में। वो एक बहुत ही खूबसूरत पारी थी, ऑनसाइड के क्षेत्र में खेला था, गेंद हवा में तरूर है, फील्डर गेंद के नीचे और पहली गेंद के ऊपर, देखना होगा पीछे 6 रन और शायद पैर फिरोज से जल्द कमेंट बॉक्स से संपर्क करेंगे। सुनील 7 रन के ऊपर पहुंचे, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 12 रन तो विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ आड़ी बल्ले से घसीटने का प्रयास कर रहे थे, डॉट गेंद निकाली। अद्भुत दाऊदी बहुत सारी मैचें खेल चुके हैं पिछले कई सालों से, चासा के मैदान के ऊपर खेलने आते थे। 2 या 3 साल से मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन क्योंकि ओपन टूर्नामेंट नहीं चल रहा है, अब पहला ओपन चल रहा था, अब विलेज ज्यादा से चल रहा है तो अधिक को हमारी तरफ बच्चा बच्चा जाता है। जड़ में डालने का प्रयास ऑन साइड से क्षेत्र में मिड विकेट के ऊपर से गेंद इस सीमारे का पार, 6 रनों के लिए दंतराजा छक्का, टीम का स्कोर जा पहुंचा 18 रन तो विकेट का नुकसान। हेलो, अठारह रन बन चुके हैं, 2 विकेट गिर चुकी है, ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ। इज्जत भाई कमेंट्री बॉक्स में, इज्जत भाई 138 का लक्ष्य है। लेफ्ट बल्लेबाज सुनील बहुत ही खूबसूरत पारी खेल रहे हैं, 5 गेंदों में 13 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए। जड़ में डाला इनसाइड आउट कवर के ऊपर से गेंद आ रही है, फील्डर हाथ में जरूर लगी लेकिन कैच नहीं ले पाए, प्रयास बहुत ही अच्छा, आखिर तक गेंद की तरफ दौड़ते रहे, फिर ऊपर जाके गेंद को लपकने का प्रयास बहुत ही अच्छा किया था, बहुत ही खूबसूरत प्रयास। हाथ में लगी हुई तो ऐसी गेंद चिपक जानी चाहिए और ऐसे किसी सबको बनाने पड़ते हैं, आपको मौका नहीं मिलेगा। हार्ड कैच जरूर था लेकिन ऐसी टूर्नामेंट में आपको इसको बनाना पड़ेगा, आसान वाला कैच आपको ज्यादातर नहीं मिलेगा। प्रथम इस पवार अरे फिर से एक बार बहुत ही अच्छी शॉट गई, समझ नहीं पाया फिर उसका गेंद गई शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद आके फील्ड किया हो यहाँ पर
स्टेज के ऊपर कप्तान नीलकंठ पटेल, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी है और कप्तान भी है, एसडी चैंपियन के आइया नीलकंठ पटेल, येलो कपड़ा पहनकर गॉगल्स ब्लैक लगा के नीलकंठ गोगा, चेन्नई सुपर किंग का खिलाड़ी, धोनी की तरह दिखता पर धोनी थोड़ा बाट है, ये नीलकंठ लंबा। और पब्लिक भी देखता है स्टेज पर के कौन बेटा धोनी के नीलू, और उपनाम मैंने दिया उनको गोगा, आज इनका नाम भी लॉन्च हुआ है नीलकंठ गोगा, क्योंकि वो जो पिक्चर था उसमें नाम था अमिताभ बच्चन का, मैं जादूगर मेरा नाम है गोगा, वो है नीलकंठ पटेल जो नाम अभी अभी लॉन्च हुआ, नीलकंठ पटेल उर्फ गोगा। ओमकार सावंत कैमरा घुमाए, टॉस हो रहा है, कैमरा मैन ओमकार सावंत अब कैमरा इधर घुमाएंगे, टॉस होने जा रहा है, नीलकंठ पटेल और वर्सेस बहनान टाइगर्स के कप्तान सलीम एडवोकेट और बस सलीम शेख टॉस करने के लिए आए। साकिब कालू दो ओवर की समाप्त पर स्कोर जा पहुंचा 21 रन 21 दो के ऊपर है। नवाज सुल्तान के गेंदबाज और कप्तान अतिक दाऊदी अपने दो ओवर फेंकिए उसमें 12 मिनट लिए, फास्ट करना चाहिए, फास्ट करना चाहिए, आज का ज्यादा मैच है इस ग्राउंड पर, दो रन का पेनल्टी लगेगा, दो रन का पेनल्टी फटाफट करा हुए, 12 मिनट लिए अपने दो मिनट दो ओवर फेंकने के लिए 12 मिनट खर्च कर दिए आपको, 40 मिनट के अंदर पूरी 8 ओवर कंप्लीट करना पड़ेगी। अकरम कादरी द लीजेंड क्रिकेटर, बहुत ही अच्छी गेंद थी और उतना ही अच्छा खेला सुनील मांगरोड़े की तरफ से, लगने वाला शानदार छक्का डीजे। टॉस होने जा रहा है, किसी आदमी का भी स्प्लेंडर की चाबी खो गई हो, देशमुख ऑटो का किचन है, कीर्ति भाई आहिर के पास है चाबी, किसी की भी चाबी जो खो गुम हो गई हो वो कीर्ति भाई आहिर से ले ले, स्प्लेंडर देशमुख ऑटो का किचन है उनमें। सुनील मांगरोड़े आखड़े ऊंची लगा ले, ब्लैक स्टंप के बाहर गेंद थी, अगली मैच के लिए टॉस हो चुका है, बहनान टाइगर ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है एसटी चैंपियन के सामने, 31 रन दो विकेट का नुकसान किया, पर शुक्रिया सज्जत भाई बहुत ही खूबसूरत कमेंट्री आपकी ओर से सुनने को मिली, दो ओवर और दो गेंदें हुई है, जीत का लक्ष्य निर्धारित 48 गेंदों में 137 का, अब रिक्वायर्ड है 34 गेंदों में 107 रन, 19 के आसपास की रिक्वायर्ड रन रेट, टॉपेज लगाया सॉरी स्वाइन लिखे हुए फील्डर तैनात था उनके बगल से गेंद धंधराजी वॉक लाइन के बाहर, चार रनों के लिए डाबर चमन ब्रश चौका बहना ऑटो चौका, चार रनों के साथ
दूसरा चौका बदलते हैं, तीन गेंदों में 8 रन के पर बल्लेबाजी, अभी तक कोई सिंगल नहीं उनके बल्ले से, 266 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए ये अव्वल नंबर। तीसरा चलता हुआ फील्ड फैला दी जरूर गई है, लेकिन लंबे लंबे स्ट्रोक लगाना जरूरी है। जड़ में डालने का प्रयास था, पीछे गेंद रह गई और गेंद गई लॉन्गन वाइड लॉन्गन के ऊपर से छक्का 6 रनों के लिए, कम से कम 80 मीटर वाला छक्का। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 41 रन, महंगे साबित होते। जय अकरम कादरी की 55 साल की उम्र में मैदान के ऊपर खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात होती है सर, इतना आसान नहीं है। और एक जमाने में धर्मपुर का रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते थे और एक बहुत बड़ा नाम धर्मपुर का है। गेंदबाजी के ऊपर जरूर है, 55 साल की उम्र में मैदान के ऊपर खड़े होकर मैच खेलना इतना आसान बात नहीं है। यकीनन 4 गेंदों में 20 रन दे चुके हैं, लेकिन सामने बल्लेबाज है पिंटी आहिर, 4 गेंदों में हितेश आहिर 4 गेंदों में 14 रन। जड़ में डालने का प्रयास, बॉल ओवर में कैच का प्रयास बहुत ही खूबसूरत किया, एक सराहनीय फील्डिंग कही जाएगी। 55 साल की उम्र में ऐसी तरीके से गेंद को रोकना फॉलो थ्रू में इतना आसान नहीं है, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी वापसी कही जाएगी। जानते हैं जरूरत है अधिक दाऊदी को रन रोकने की, कप्तान है, कप्तान के भरोसे के ऊपर खड़ा उतरना, यकीनन 4 गेंदों में पिटाई जरूर हुई है, लेकिन यहां से वापसी करने के लिए जाने जाते हैं, एक रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते थे। यहां पर अपने कोटे की पहले ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे, टीम का स्कोर जब पहुंचा है 42-42 रन तो विकेट के नुकसान के ऊपर। लेफ्ट बल्लेबाज के लिए डीप स्कोर ले, मिड विकेट लॉन्ग ऑन और मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच में एक और फील्डर, इस मरतबा फील्ड में तब्दीली की जा रही है, स्कोर ले फील्डर को सर्कल के अंदर बुलाया है, मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर लॉन्ग ऑन और बीच में एक फील्डर और डीप लॉन्ग ऑफ वाइड लॉन्ग ऑफ खड़ा किया, टाइम बहुत ले रहे हैं, पेनल्टी मिलेगी, जितनी ज्यादा मिनट लेंगे उसकी पेनल्टी मिल सकती है अंपायर की ओर से। सीधा खेला डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तेना, दूसरे का नामुमकिन प्रयास जरूर था, जिसे खतरा महसूस किया, अपने पैरों को रोका, एक ही रन से संतुष्ट हुए। इस बीच ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, 18 मिनट 3 मिनट ज्यादा लिए है 3 ओवर डालने में, हर ओवर में एक एक मिनट ज्यादा, हर मिनट के ऊपर कुछ पेनल्टी मिल सकती है। हमारे थर्ड अंपायर अजीत सर इस मैच का यहां पर देख रहे हैं, पेनल्टी भी मिल सकती है। सभी टीम सुन ले, अंपायरों की ओर से भी और आयोजकों की ओर से भी मिला है, 40 मिनट से एक भी मिनट ऊपर जाएगा, हर मिनट के ऊपर 2-2 रन पेनल्टी मिलेगी, एक रन की पेनल्टी, 1 मिनट के ऊपर 1 रन की पेनल्टी, तो आप ध्यान में रखें 40 मिनट में आपको मैच समाप्त करना है। अतिक दाऊदी कोटा का दूसरा पारी का चौथा ओवर, जड़ में डालने का प्रयास, स्टॉपेज लगी है, खुद कैच के लिए पहुंचे, कप्तान है और विकेट का पतन, जो विकेट की तलाश है कप्तान ने दिला दी। सुनील जोगी एक आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, 11 गेंदों में 24 रन बनाकर पहले इन का रास्ते इख्तियार करते हुए जो तीसरे विकेट का पतन होता हुआ 43-43 के निजी स्कोर के ऊपर ये ओवर नंबर चौथा चलता हुआ। और से मुंबई महाराष्ट्र से बुलाए गए अजीत पुत्रन सर, मुंबई बोरीवली तुषार गिरमकर, मुंबई दादर संतोष चौधरी, मुंबई पनवेल और यूट्यूब ऑपरेटर है हमारे प्रशांत पवार बदलापुर, यूट्यूब कैमरामैन है ओंकार सावन और युवराज दुले, हमारे क्रिकेट स्कोरर धर्मेंद्र सिंह उसके साथ है हमारे फहीम और डीजे ऑपरेटर है देवेंद्र बोरसठ, डीजे मॉन्स्टर बिलपुरी। इस बीच नए बल्लेबाज के रूप में 20वें दान के ऊपर पहुंच चुके हैं निशांत,
अगली गेंद अतिक दाऊदी के आड़े बल्ले से सीधा अब्दुल रज्जाक वाला गेंद गई सीमा रेखा पार लॉगन पावर लाइन के ऊपर से छक्का बटोरा दन दनाता हुआ छह रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 49 रन। हमें नेट की सेवा मिली है वाईमैक्स इंटरनेट दीपक पटेल और सेवा बजा रहे हैं आमिर पठान और मैं कॉमेडी बॉक्स से सरफराज माकड़ा और मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रसाद परब महाराष्ट्र डोंबिवली की से अच्छी अगली गेंद बहुत ही खूबसूरत सफाई के साथ लॉन्गन के क्षेत्र में खेला सिंगल बटोरा इसे एक रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 50 रन। चौथे ओवर के रूप में 50 का आंकड़ा छूटती हुई एक वापसी जरूर कही जाएगी लंबा स्कोर जितना करीब पहुंचना चाहिए वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं पर ऐसा नहीं है लक्ष्य नहीं पार कर सकते लंबी लंबी हिटी चाहिए ओवर में 20 रन कंपलसरी चाहिए जीतने के लिए जड़ में डाला ये वाली गेंद चाहिए वाईडीसी ऑक्कर जिसको कहा जाना चाहिए हल्की सी फंबल गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर ही ऐसी गेंदों का आपको रोकना होगा गेंदबाजी करे तो क्या करे टेनिस क्रिकेट का जो एक आधुनिक खेल है वहां पर इतना आसान नहीं बचने के लिए अब गेंदबाज के लिए 3 स्टंप है बल्लेबाज के लिए पूरा मैदान है लेकिन आप सहयोग नहीं दोगे तो गेंदबाज की पिटाई होगी और ऐसा आधुनिक क्रिकेट हो रिवर्स स्वीप पैडल स्वीप बिल्स कुक सब बहुत सारे स्ट्रोक मिल चुके हैं तो मुश्किल है शॉट गेंद इस पर दबा ऑन साइड के क्षेत्र में गोदी में कैच डेविड जंप लगाकर कैच लिया एक बहुत ही खूबसूरत कले कैच लिया गया था उसके बाद ये दूसरा कैच कहा जाएगा टूर्नामेंट का बेस्ट दो कैच मेरे हिसाब से जंप लगाया और कैच बहुत ही खूबसूरत सफाई के साथ चौथे विकेट का पतन जहां पर कप्तान आक्रामक अंदाज में आ रहे थे उनको पेवेलिन का रास्ता दिखाया अन्य बल्लेबाज के रूप में तरुण 20 मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं साथ कप्तान का साथ देने के लिए कप्तान खेल रहे हैं सात गेंदों में 22 रन के ऊपर दो चौके दो छक्के और दो सिंगल बहुत ही खूबसूरत पारी खेलने का प्रयास कर रहे हैं हमारे साथी स्कोरर प्रसाद परब साहब महाराष्ट्र डोंबिवली से बिलोंग करते हैं अच्छी एक स्कोरिंग जड़ में डालने का प्रयास लो फुटोस गेंद थी ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी उसका आड़े बल्ले से ऑनसाइड के ऊपर धकेला मिड विकेट के ऊपर सिंगल बटोरेंगे इस एक रन के साथ इस बीच ओवर की समाप्ति भी हुई चार ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन चार विकेट के नुकसान के ऊपर डीजे चार मिनट ज्यादा लिया है चार ओवर के लिए आपको चार रन की पेनल्टी जरूर मिलेगी जितनी ज्यादा मिनट जाएगी उतनी पेनल्टी मिलेगी गेंदबाज अकरम कादरी कोठे का दूसरा पारी का पांचवा ओवर और जड़ में डाला बहुत ही खूबसूरत गेंद लॉन्गन के क्षेत्र में मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई फील्डर तैनात है सिंगल मिलेगा इस एक रनों के साथ स्ट्राइक दे दी कप्तान को जो आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं दो चौके दो छक्के लगाकर 314 के स्ट्राइक रेट के साथ साथ ही गेंदों में 22 रन के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए उनके लिए फील्ड की जमावट लगातार चेंज करते हुए अब डीप सोनी शर्मन पॉइंट और सोनी स्वीपर कवर सर्कल के अंदर है डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर लॉन्ग ऑफ जड़ में डाला स्कोर लगा अंपायर जहां पर खड़े होते वहां से सिंगल बटोरा दूसरे का प्रयास जरूर है आधी पिच तक पहुंच चुके हैं रन का खतरा हो सकता है और नॉन स्ट्राइक के ऊपर थ्रो किया लगा नहीं गलती कर गए दो रन तेजी के साथ बटोर लिया एक दो रनों के साथ टीम का स्कोर जब पहुंचा है 58 रन 58 रन चार विकेट के नुकसान के ऊपर चार विकेट ऊपरी क्रम के चारों बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं एक कप्तान चौथे नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने आए थे अभी भी मैदान के ऊपर तरुण अभी अभी आए हैं
दो गेंदों में दो सिंगल के साथ 100 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए लॉन्गन काफी वाइड खड़ा किया मिड विकेट स्क्वायर लेग सॉन्ने स्क्वायर लेग भी खड़ा किया उनके ठीक पीछे एक फील्डर और ऑनसाइड के सीटों में हवा में गेंद के जब लगातार गोदी में कहते बैठे विकेट का पतन होता हुआ जाते हैं बड़ी मछली है जाल में फंसाने का प्रयास कामयाब हुए पांचवे विकेट का पतन बहुत टाइम जाता है नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान की पर पहुंच रहे हैं प्रतीक जोशी बल्लेबाज को विनती करता हूं बहुत सारी मैचें खेलनी बाकी है जल्द से जल्द अपनी क्रीज के ऊपर आ जाए मेहरबानी होगी क्योंकि हम पहले दिन से ही दो मैच पीछे चल रहे हैं तो थोड़ा सा सहयोग देंगे मेहरबानी होगी रुका हुआ स्कोर 58 रन 5 विकेट के नुकसान के पर ओवर नंबर 5वां चलता हुआ जितनी जल्दी हो सके मैच को पूरा करना होगा अंदरूनी बाग लगा लॉन्ग लेग के ऊपर फील्डर तैनात है जहां तक सफाई के साथ गेंद को फील करके थ्रो दिया जाए कीपर एंड कीपर सिंगल बटोरेंगे इस एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 59 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर अब जाके लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर पहुंचे हैं तरुण छठे नंबर के बल्लेबाज के लिए ऑनसाइड के क्षेत्र में फील्ड की जमावट लॉन्ग ऑफ मिड विकेट और स्क्वायर लेग हल्का सा सीधी रेखा में धकेला हुआ शॉर्ट स्क्वायर लेग भी है सॉर्टिस थर्मेन फाइन लीग के ऊपर कोई फील्डर नहीं है जमी डाली का प्रयास ब्लॉकल गेंद जिसको कही जानी चाहिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गेंद को सीधा खेला गेंदबाज के सर के ऊपर से आप जब खेलते हैं तो आपको यकीन चौका छक्का मिल सकता है और वही काम करने का प्रयास सीधे बल्ले से जब तक खेलेंगे आपको रन बहुत ही ज्यादा मिलेंगे और बल्ले के बीचों बीच लगेगी तो यकीन छक्के की मोहर लगेगी इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 65 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर ओवर नंबर 5वां चलता हुआ 14 के करीब के रन रेट चल रही है अच्छी पिटाई जरूर हो रही है लेकिन लक्ष्य बहुत लंबा इस मरतबा बैक टू बैक दो गेंदों में दो छक्के हवाई फायर काफी लंबा करीबन करीबन 90 मीटर वाला छक्का 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 71 रन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के प्रयास 18 गेंदों में 67 रन बाकी है जल्द से जल्द मैच को आगे बढ़ाएंगे बहुत ही मेहरबानी होगी क्योंकि 71 रन बन चुके हैं 18 गेंदों में 67 रन चाहिए 22.33 की रिक्वायर्ड रन रेट यहां से नामुमकिन कुछ भी नहीं लेकिन हर ओवर में तीन या चार लंबी हिटें तीन लगती हुई तो बाकी के गेंदों के ऊपर भी एक चौका जरूरी है तब जाके रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच सकते हैं जल्द से जल्द फील्ड को सजानी होगी आप अभी भी 3 मिनट आगे चल रहे हैं 3 मिनट आपने ज्यादा लिए हैं 5 ओवर में 25 मिनट होना चाहिए आप 28-29 मिनट दे चुके हैं तो जल्द से जल्द फील्ड को सजाना होगा कप्तान को ध्यान में रखना 2-3 रन आपको आखिर में पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आपको यकीनन आपने 137 रन बनाए हैं लेकिन यहां से 2-3 रन अगर कट कर देंगे तो नेट रन रेट में आपको तकलीफ हो जाएगी अगली गेंद जमी डाला सीधा खेला फील्डर तैनात कप्तान है अधिक दाऊदी से फील्डर है एक बेहतरीन फील्डर की रूसी में उनका नाम आता है इस एक रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 72 सज्जद पठान गेंदबाजी के ऊपर है पहली गेंद के ऊपर सिंगल बटोरा 72 17 गेंदे 66 रन ऑनसाइड के क्षेत्र में गेंद दंदराजी बहुत लगी है बाहर 6 रनों के लिए लो फोटोस गेंदबाजी वाइड ओवर का प्रयास कर रहे थे गेंद इसी बारे का पार बोल ले क्या फेंक दे को
कूपन के हकदार आरके रेस्टोरेंट के कूपन के हकदार बन चुके हैं। तीन गेंदों में तीन छक्के बटर चुके हैं। पिछली ओवर में दो गेंदों में दो लगाए थे, इस मरतबा जब स्ट्राइक मिली तो पहली गेंद के ऊपर छक्का बटोरा, यानी कि तीन गेंदों में तीन छक्के लगा चुके हैं। तो आरके रेस्टोरेंट में जाए और दावत उठाए, मजा लीजिए। इस मरतबा तीसरा बल्लेबाज इस मैच का, अगली गेंद और इस मरतबा कामयाब हुए। जड़ वाली गेंदें डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सटीक टप्पा सटीक लाइन के ऊपर होना चाहिए। अगर हल्की सी पीछे गिरेगी फिर भी छक्का लगेगा, ऊपर गिरेगी लो फोटोस होगा वहां पर भी छक्का मिल सकता है। तो एक लाइन और लेंथ बरकरार रखनी होगी आपको। हर मरतबा सीधी लाइन के ऊपर जो नटराजन वाली गेंदे होती है इतना आसान नहीं, बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। पांच या छह गेंदे कंटिन्यूस डालना इतना आसान नहीं है। वही गेंद डालने का प्रयास, स्टॉपेज जरूर लगा नौ बॉल। अंपायर ना अभिमर का वेस्ट हाइट जिसको कहा जाना चाहिए, और एक रन मिल जाएगा नौ बॉल के रूप में। और बल्लेबाज को फ्री थी, जहां चाहे बल्ला घुमा सकते हैं ग्राउंड के कहां पर भी। स्कोर जा पहुंचा 79 रन पांच विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर छठा चलता हुआ, 15 गेंदों में 59 रन, 15 गेंदे 59 रन। यहां से जितना जल्दी चाहिए मैच को समाप्त करना होगा, अगली मैच की शुरुआत करनी होगी जल्द से जल्द। अगली गेंद जड़ में डाला और इस स्पर्धा में बहुत ही खूबसूरत लेकर फील्डर को कले गया। नौ बॉल है फ्री हिट, भूल चुके थे फील्डर को याद ही नहीं था कि ये फ्री हिट है, कैच लपक कर खड़े हो गए थे। दो रन बटोर लिए, इन दो रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 81 रन। एक्शन में खड़े थे कि कैमरामैन मेरी तरफ देखेंगे, मुझे मेरा एकदम मस्त फोटो लेंगे, मैंने बहुत ही खूबसूरत कैच किया, भूल गए थे फ्री हिट थी। रोका हुआ स्कोर 81 रन पांच विकेट को नुकसान किया पर। ओवर नंबर छठा चलता हुआ, ऑनसाइड के क्षेत्र में घसीटा ऑफसाइड से ऑनसाइड के क्षेत्र में, ये खराब गेंद नहीं थी, उसको बनाकर मारा है अजीत सर। ऑफसाइड के ऊपर गुटलैंड के ऊपर टप्पा खाया था, ऐसी गेंदों को लपेटना इस आसान नहीं होता। बहुत ही खूबसूरत शॉट, टीम का स्कोर जा पहुंचा 87 रन। दीजिए बॉल आ चुका है, आप कंटिन्यू करवाएंगे जल्द से जल्द। सर बॉल आ गया है, पीछे से दे दिया। नौ गेंदों में 28 के ऊपर तरुण, 311 की स्ट्राइक रेट, चार छक्के, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जिसको कही जानी चाहिए, और जरूरत है टीम को यकीनन एकदम। हाँ 13 गेंदों में 7 सिक्स चाहिए, 7 से 8 सिक्स लग सकते हैं जब पहले बल्लेबाजी करते हुए लगाए हैं, तो ये भी काबिलियत रखते हैं, बहुत लंबा अनुभव है, मैदान बहुत ही छोटा है तो हो सकता है। सतासी रन ओवर की आखिरी गेंद, हवा में गेंद कम्युनिटी बॉक्स की तरफ आती, फील्डर गेंद के नीचे, इस मरतबा गलती नहीं की, विकेट का पतन होता हुआ। मंथन जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पारी खेली थी, बहुत ही सेफ कैच किया वाडिस लॉग ऑफ के ऊपर, और बल्लेबाज को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। ये लगने वाला छठा झटका 87 के नीचे स्कोर के ऊपर। 8 मिनट में अतीक दाऊदी, आपकी टीम को 8 मिनट में दो ओवर खत्म करना है, जितना लेट करेंगे आपको नुकसान होगा। और सामने वाले बल्लेबाज को विनती करता हूँ जल्द से जल्द फ्री पिच के ऊपर पहुंचे, वरना आप भी लेट करोगे, अंपायर की निगाह आपकी तरफ भी है, आपको भी पेनल्टी मिल सकती है। ओवर की समाप्ति के बाद 87 रन, 87 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर, 12 गेंदों में 51 रन, 25.5 रन प्रति ओवर, यानी कि ओवर की 4 हिट लंबी चाहिए। जल्द से जल्द मैच को आगे बढ़ाएंगे, मेहरबानी होगी फील्ड जमाउट आपके पास सिर्फ 7 मिनट बचा है, दो ओवर डालनी है, रन कटेंगे आपके। दूर वाली छोर की ओर से गेंदबाजी सुनील बिरारी, बल्लेबाज प्रतीक जोशी और काना मीरानी बल्लेबाजी के ऊपर है, दो बल्लेबाज है, आड़े बल्ले से सीधा खेला।
वॉक आउट बिहाइंड आउट विकेट का पतन। अगला मैच खेला जाएगा एसटी चैंपियंस और साथ में होगी बेहनान टाइगर्स। बेहनान टाइगर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया था। दोनों कप्तानों को विनती करता हूं अपने दोनों पारंपरिक बल्लेबाज और फील्डर को तैयार रखें, जो फील्डिंग वाली टीम है फील्डिंग के लिए तैयार रखें, और सामने वाले बल्लेबाज को विनती करता हूं जल्द से जल्द मैदान के ऊपर पहुंचे। अभी जो टीम चल रही है बल्लेबाजी के ऊपर, सूर्य को विनती करता हूँ जल्द से जल्द दौड़ लगाए पिच के ऊपर, क्योंकि हम दो मैच पीछे चल रहे हैं टूर्नामेंट से हिसाब से देखा जाए तो। कल बहुत सारी फिर ऐसा ना हो कि हमें फाइनल कुछ ओवर कट करनी पड़े। 10 गेंदें अभी बाकी है। अच्छी गेंद कट शॉट के लाइक पॉइंट के क्षेत्र में, रन की चेष्टा करें, रन का खतरा हो सकता है। ये 8वें विकेट का पतन होता हुआ नए बल्लेबाज को विनती करता हूं जल्द से जल्द मैदान के ऊपर पहुंचे। 88 के ऊपर 8 विकेट गिर चुकी है। नौ गेंदों में 50 रन चाहिए। नए बल्लेबाज अतिक प्रतीक रांझ आए हैं और ऑफसाइड के ऊपर लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है, जड़ का खतरा हो सकता है, देखना होगा। पीछे से छक्के का इशारा किया खुद फील्डर ने भी, और पीछे जो चेन्नई के बल्लेबाज फील्डर है उन्होंने भी, चेन्नई सुपर किंग के नीलू भाई के प्लेयरों ने भी छक्के का इशारा किया। 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 94 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये ओवर नंबर 7 चलता हुआ, आज खेल थोड़ा तेजी से चलाना होगा। वापस बहुत ही खूबसूरत गेंद, डॉट गेंद निकाली, ओवर की आखिरी गेंद रहेगी शायद। 7 गेंदों में 44 रन चाहिए। हर गेंद के ऊपर छक्का लगेगा, कोई अतिरिक्त गेंद नहीं डालेगी फिर भी जीत जाएंगे। 100 गेंद चाटा लगाया ऑफसाइड से ऑनसाइड के क्षेत्र में, लॉन्ग लेग के ऊपर फील्डर तैनात है, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 95 रन। ये 7वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी, जीतने के लिए 43 रन 43 रन चाहिए। अगली मैच जिसकी भी है मैं अनाउंस करने जा रहा हूं, एसटी चैंपियंस और बेहनान टाइगर्स। बेहनान टाइगर्स के फील्डरों को विनती करता हूं एकदम बाउंड्री लाइन के करीब एकदम तैयार खड़े हो जाए, क्योंकि जैसे ही मैच समाप्त होगा आप फील्ड को सजा लेना। और एसटी चैंपियंस के कप्तान को विनती करता हूं आपके दोनों बल्लेबाजों को थापी या बल्ला जो भी है दो लेकर तैयार रखें, कपड़ा धोने वाली थापी या बल्ला जो भी है तैयार रखे, सदा सदी पटापटी का खेल होगा। जल्दी करनी होगी, जितना जल्दी करेंगे आज हमें मुकाबला जितना ज्यादा चाहिए खिलाना होगा। मंथन गेंदबाजी के ऊपर बल्लेबाजी बहुत ही खूबसूरत की थी, आड़े बल्ले से मिड विकेट के ऊपर घसीटा, सिंगल बटोरेंगे। इस 1 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 96। मंथन गेंदबाज डकोटे का पहले ओवर की पहली गेंद के ऊपर सिंगल दिया है। सुरेश बारिया 5 गेंदों में 8 रन के ऊपर, प्रतीक राज पहली मरतबा स्ट्राइक लेंगे, जाने दिया, आउट किया विकेट कीपर के दस्ताने में, ऑफ स्टंप की काफी बाहर गेंद, हमारे अंपायर की ओर से वाइड का इशारा हुआ। 1 अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 97 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। इनिंग का दूसरा वाइड अभी तक हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, दौड़ गेंद निकाली, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी 4 गेंदें बाकी है, जितना जल्दी हो सके खत्म करना होगा। पेड लाइन के ऊपर गेंद, अंपायर का इशारा, यकीनन वाइड करार दिया जाएगा, लिस्ट टीम की काफी बाहर थी। 8 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 98 रन। 4 गेंदें अभी भी बाकी है, जल्द से जल्द मैच को समाप्त करना है, पेनल्टी लग सकती है, ये ध्यान में रखना जरूरी।
और यकीनन मिलेगी, ऐसा नहीं कि वार्निंग दी जा रही है। इसे एक रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 99 रन। अभी भी 3 गेंदें बाकी है। सुरेश बारिया 5 गेंदों में 8 रन के ऊपर, 1 छक्का लगा है, स्ट्राइक के ऊपर है। जितना नजदीक पहुंच सकते हो पहुंचने का प्रयास करने में। गेंद हवा में खेली है, पीछे फील्डर कोई नहीं है। फाइन लेग के लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद गई सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा। जल्द से जल्द बॉल पहुंचाए, जल्द से जल्द बॉल पहुंचाए। दो गेंदे बाकी है, दोनों टीमें तैयार है फील्डिंग वाली बल्लेबाजी वाली। सीधी वो आड़े बल्ले से ऑनसाइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास। पारी की आखिरी गेंद, रुका हुआ स्कोर 105 रन। 33 रन चाहिए जीतने के लिए। जितना नजदीक पहुंच सकोगे इतना नेट रन रेट में इजाफा होगा। अच्छी गेंद, शायद स्टंप के ऊपर। और ये इनिंग की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 105 रन बनाए, जीत लिया इस मैच 32 रनों से। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी देखने को मिली। मेहनत तो मैच है, मंथन जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही खूबसूरत पारी खेली थी। मंथन ने 23 गेंदों में 85 की 11 छक्के 3 चौके। और आगे का मुकाबला है एसडी चैंपियन के सामने होगी बहना टाइगर्स। हमारे ऑफलाइन स्कोरर दोनों टीमें जल्द से जल्द अपना प्लेइंग 11 अपडेट करें जल्द से जल्द। और मंथन कमेंट बॉक्स